हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंह सूखने की प्रॉब्लम के बारे में। कुछ अलग अलग सिम्टम्स के साथ तीन तरह की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे और उनके सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे एक्यूप्रेशर की हेल्प से। साथ में हम रेकी की हेल्प से भी इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिम्टम की जो हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्सन को मुँह सूखने की प्रॉब्लम है कि उसका मुँह हर समय सूखा सूखा ड्राई रहता है लेकिन फिर भी उसको प्यास नहीं लगती, तो वहाँ पर जो हमारे लिए ट्रीटमेंट होगा प्रेशर की हेल्प से वो है GV11, गवर्निंग वेसल मरीडियन का 11th पॉइंट। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारे थंब पर बैक साइड, जो थंब का जॉइंट है उसका सेंटर लेकर हम नीचे की तरफ चलें तो ये इस पॉइंट की लोकेशन है, राइट। इस पॉइंट पर हमें सॉफ्ट और डीप प्रेशर देना है 2 से 3 बार और यहां पर हमें एक मैग्नेट अप्लाई करनी है, उसका व्हाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है। तो इस तरह से हम इसको स्किन पर टच करा देंगे। ये जो पॉइंट है हमें लेफ्ट हैंड में भी मिलेगा और राइट हैंड में भी मिलेगा। जब हम इस ट्रीटमेंट को रात को लगाकर सो जाएंगे और सुबह इसको हटा देंगे तो जो मुंह हर समय सूखा रहता था और प्यास नहीं लगती थी, इस सिम्टम के साथ जो प्रॉब्लम थी उसमें हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा जो सिम्टम हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुंह हर समय सूखा रहता है और साथ में बहुत ज़्यादा प्यास भी लगती है, तब हमारा जो पॉइंट है वो दूसरा हो जाएगा। पॉइंट का नाम है TW4। ये पॉइंट हमें मिलेगा हमारी इंडेक्स फिंगर पर बैक साइड और जो ऊपर वाला हमारा जॉइंट है उसका बिल्कुल सेंटर हमें ले लेना है। ये इस पॉइंट की लोकेशन है, वही हम इसको सॉफ्ट और डीप प्रेशर देंगे प्रोब की हेल्प से। यहाँ पर हमें मैग्नेट का येलो वाला पार्ट अपनी स्किन पर टच कराना है। इस तरह से टच करा दीजिए। जब येलो पार्ट स्किन पर टच कराएंगे तो ऊपर से हमें वाइट पार्ट दिखाई देगा। ये ट्रीटमेंट भी बाइलेटरल है, मतलब लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो ये ट्रीटमेंट भी हम रात को लगाकर सो जाएंगे और सुबह इसको हटा देंगे। तो जो एक प्रॉब्लम थी कि ड्राई माउथ, सूखे हुए मुंह के साथ प्यास भी बहुत लग रही थी, तो मैं अब ट्रीटमेंट को इस तरह से लेकर चल रही हूँ कि हम अपने सिम्टम्स के साथ अगर ट्रीटमेंट को लगाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा जो एक सिम्टम होता है कि जब हमारा मुंह सूख रहा होता है तो उसके साथ साथ हमारा थ्रोट, हमारा गला भी अंदर से सूखने लगता है, तब जो हमारा ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट होगा। पॉइंट का नाम है LU9। ये पॉइंट हमारी इंडेक्स फिंगर पर मिलेगा, जो ऊपर वाला जॉइंट है उस पर टुवार्ड्स थंब। इस पॉइंट पर भी हम सॉफ्ट और डीप प्रेशर देंगे 2 से 3 बार और यहाँ भी हमें मैग्नेट का येलो वाला पार्ट स्किन पर टच कराना है, राइट। तो जब हम इस ट्रीटमेंट को रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो हमारा मुंह सूख रहा था साथ में गला भी सूख रहा था उस प्रॉब्लम से हमें धीरे धीरे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। दोनों हाथों में है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। रेकी की हेल्प से भी हम अपनी इस प्रॉब्लम को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। हमें काम करना होगा अपने थ्रोट चक्रा पर और अपनी थर्ड आई चक्रा पर। तो अगर आप रेकी जानते हैं तो अपने सभी चक्रास को क्लीन और बैलेंस करने के बाद स्पेशली हमें काम करना होगा अपने थ्रोट चक्रा पर और थर्ड आई चक्रा पर। बहुत सारे लोग रेकी को नहीं जानते लेकिन वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हम रेकी की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को हील करें। तो उन्हीं लोगों के हिसाब से मैंने कुछ रेकी चार्ज्ड अरोमा कैंडल्स बनाई हैं। ये है थ्रोट चक्रा की कैंडल। इसमें अरोमा जो स्पेसिफिक है वो हमारे थ्रोट चक्रा को हील करेगी और साथ में जो मैंने उसको रेकी से चार्ज किया है वो भी बहुत हेल्पफुल होगी हमारी थ्रोट से रिलेटेड और हमारे मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करने में। इसके साथ साथ थर्ड आई चक्रा की कैंडल को भी, जब हम अपने घर में इनको 2 घंटे के लिए लिट करेंगे, जलाएंगे, तो जो हमारे चक्रा में इम्बैलेंस आ गया है जिसकी वजह से हमें मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारा मुंह सूख रहा है, तो उन सारे ही सिम्टम्स में और सारी ही प्रॉब्लम्स में हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। रेकी चार्ज कैंडल्स जो कि सभी 7 चक्रा की हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं जो कि divinecareofficial.com के नाम से है।
अगर आपके पास ये ब्योल मैग्नेट्स हैं तो आप इन्हें यूज़ कीजिए, इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर नहीं है और आप इन्हें ख़रीदना चाहते हैं तो एक एक्यूप्रेशर किट मैंने बनाया है, इसको आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और जितनी भी मैंने पॉइंट्स की लोकेशन आपको बताई हैं, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो एक्यूप्रेशर साथी के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें सारे पॉइंट्स की लोकेशन को एक्सप्लेन किया है। आप जब उस पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट की लोकेशन देखने को मिल जाएगी। और 700 से भी ज़्यादा बीमारियों का ट्रीटमेंट इस साथी में अवेलेबल है। आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट की हेल्प से खुद ट्रीट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर साथी को भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं, अपने डॉक्टर खुद बनना चाहते हैं, तो मैंने एक बेसिक एक्यूप्रेशर कोर्स भी बनाया है, जिसको सीखने के बाद अपनी डे टू डे लाइफ में होने वाली 100 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आप खुद ट्रीट कर पाएंगे। ये कोर्स भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com के नाम से है। आज की वीडियो में हमने जितनी भी बातें की हमारे मुंह से रिलेटेड, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आपको इसमें से कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को यूज़ कीजिए, इन कैंडल्स को यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।